एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अभी हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। सो करेक्ट 11 बज रहे हैं एंड अभी मैंने ना क्या किया था, मतलब जितना भी काम है ना मेरा सारा कंप्लीट करके रख लिया है। सिर्फ मुझे डोर रेडी करना है एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे अभी 11:30 बजे, तो 11:30 में वो आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद मुझे बनाना है उनके लिए हरे मटर के पराठे। जो पराठे की रेसिपी है वो आप लोग को शॉर्ट्स वीडियोज़ में मिल जाएगी, तो ज़रूर देखना आप। उसमें बहुत अच्छे से शॉर्ट्स वीडियोज़ डालती हूँ मैं रेसिपी की, तो ज़रूर देखना। एंड मैंने उसमें है ना दाल बाटी की रेसिपी भी डाला है, राजस्थान की जो दाल बाटी होती है उसकी रेसिपी, और सेब की 2 मिनट में कैसी सब्जी बन जाती है वो, और जलेबी फाफड़ा, जो स्पेशली तारक मेहता सीरियल में जेठालाल को बहुत ज़्यादा पसंद है फाफड़ा जलेबी, तो मैंने फाफड़ा ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उसका भी ब्लॉग्स मतलब ज़रूर देखना, शॉर्ट्स वीडियोस है, बहुत ही कम टाइम लगेगा उसे देखने में, इसलिए जितनी भी मेरी रेसिपी वाली जो वीडियोज़ रहती हैं वो शॉर्ट्स वीडियोज़ में मैं अपलोड करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर से देखना, बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी स्किन में ना कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मेरी स्किन मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा जितना ना विदाउट फिल्टर हो गया या कुछ क्रीम हम लगाते हैं उससे बेटर ना जो हमारी नेचुरल स्किन होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। सो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी मेरी स्किन इतनी अच्छी लग रही। मैंने ना सिर्फ अभी क्योंकि मैं पानी भर रही थी ना तो मेरी ड्रेस जो थी तो गीली हो गई थी, तो फिर गीली हो जाती है ना, ठंडी का टाइम चालू हो गया तो फिर मुझे ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो फिर मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए एंड मैंने पहना अभी टॉप पहना है मैं और नीचे शॉर्ट्स ही पहनी हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है घर पे आने के बाद ना शॉर्ट्स पहनना, तो फिर इसीलिए। एंड यहाँ पे ना हाँ, तो मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली है। एक्चुअली ना अभी थोड़ा सा ना मेरा हस्बैंड का माइंड थोड़ा ऑफ चल रहा है क्योंकि इसलिए रीज़न ये है कि शॉप में भी ना अभी कोई कस्टमर नहीं आ रहे अच्छे से, मतलब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा माइंड उनका ना डिस्टर्ब है अभी। तो फिर कल उनका बर्थडे है तो फिर मैंने सोचा चलो आज उनका मूड थोड़ा ठीक करते हैं एंड उनके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। एंड आज मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ मटर के पराठे। सो गाइज, आज मैं फर्स्ट बार ट्राई करूँगी मटर के पराठे। आई डोंट नो कैसे बनेंगे कैसे नहीं, लेकिन जैसे भी बनेंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे बने कैसे नहीं। मुझे भी मैं ना बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि सोच रही थी कि मैं बनाऊँ मटर के पराठे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं, तो मैंने ट्राई किया ही नहीं। तो लेकिन आज फाइनली मैं ट्राई करने वाली हूँ एंड आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड एक ना वीडियो था हाँ फाफड़ा का, तो मैंने ना जस्ट वीडियो देखा एंड मुझे लगा कि मैं ट्राई करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ना फाफड़ा हर कोई ऐसा बोलता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो फिर मुझे लगा कि बनेगा ही नहीं वो, तो मैंने एक बार ना मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने सोचा फर्स्ट बार मैंने ट्राई कर ली तो वीडियो शूट करूँ कि नहीं करूँ, पता नहीं कैसा बनता है कैसा नहीं बनता, लेकिन मैंने सोचा चलो जैसा भी बनेगा यू नो जेन्युइन रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा बना है। तो फिर मैंने वीडियोस बनाया एंड उसे शॉर्ट्स में डाला एंड सच में उसमें ना 3.5K व्यूज़ हैं एंड वो लोगों को पसंद भी आया और अच्छा भी बना था, मतलब इतना ख़राब भी नहीं बना था और इतना अच्छा भी, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बना था लेकिन अच्छा बना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो रेड कलर की जो बटन है उसको क्लिक कर दोगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उसी के नीचे एक बेल बटन आइकन है उसको हिट कर दोगे, उसको भी क्लिक कर दोगे तो उससे क्या होगा जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलो विदाउट टाइम वेस्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे ना एक टॉवल बिछा लूँगी, ताकि नैपकिन किचन टॉवल, ताकि ना मैं आटा लगाऊँगी तो ताकि वो गंदा ना हो प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने अभी सारी चीज़ें क्लीन किया था, और कभी भी आप आटा लगाओ या कुछ भी चीज़ें तो नीचे बिछा लो कपड़ा ताकि ज़्यादा गंदा नहीं होता प्लेटफॉर्म, नहीं तो दोबारा हमें ही साफ़ करना होता है। सो इसीलिए यहाँ पर मैं निकालूँगी एंड उसके बाद फटाफट से हम हरे मटर के लिए पराठे के लिए आटा लगा लेंगे, और जो पराठे का आटा है उसमें सिंपल
सा है, नमक डाला, हल्दी डाला और थोड़ा सा अजवाइन डाला है और थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल। एंड उसके बाद एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे यहाँ पे। और बाकी कुछ चीज़ें नहीं डालनी है, अगर आप चाहो तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो, उससे थोड़ा ना और अच्छा टेस्ट आएगा पराठे का। एंड यहाँ पे ना ठंडी बहुत लग रही थी, थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ आ गई हैं। एंड ठंडियों के मौसम में ना हरे मटर के पराठे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और स्पेशली ये ना खाने के लिए भी बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली घरों में अभी हरे मटर ही आ रहे हैं होंगे, क्योंकि मतलब अच्छा रहता है ये हरे मटर, ठंडियों के टाइम में सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। एंड यहाँ पे ना फटाफट से मैं पहले एक रोटी मैंने गाय के लिए बना लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं बनाऊँ, फिर लेट हो जाता है ऐसा, इसलिए मैं ना रात में एक रोटी गाय के लिए बना के रख लेती हूँ ताकि मैं सुबह सुबह उनको दे दूँ। एंड यहाँ पर ना क्योंकि गाय का ऐसा है कि उनको ना 8:30 बजे वो खाते नहीं है, इसीलिए है, तो फिर जल्दी जल्दी देना पड़ता है उनको। एंड यहाँ पे ना पराठा मैंने बना लिया है, एंड सिंपल से बनाना, जैसे आप नॉर्मली आलू का पराठा बनाते हो ना वैसे ही आपको स्टफिंग डाल के बनाना है। एंड जो इसके इसका मैंने स्टफिंग कैसे बनाया है ये आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख लेना। और उसको भी बनाना बहुत ही इजी है, आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा। और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि क्या ही बोलूँ सच में। आप लोग भी एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करना, जिस तरह से नॉर्मली आप आलू की स्टफिंग बनाते हो वैसे मटर की भी स्टफिंग बनानी है और उसे भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है मटर के, उसको आप नॉर्मली तेल, घी, बटर जिसके साथ भी आप सेकना चाहो तो सेक सकते हो। एंड यहाँ पे पराठे का कलर भी देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है। एंड गर्म गर्म पराठे आप किसी के साथ भी खा सकते हो, आपकी अगर इच्छा हो दही के साथ खाना दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाना हो तो अचार के साथ खाओ, या तो फिर चटनी बनानी है ग्रीन चटनी तो उसके साथ भी आप खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये जो पराठे हैं ना आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, 2-3 दिन भी मतलब ख़राब नहीं होगा और खाने में टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा खाना वाना हो गया था, किचन क्लीनिंग भी हो गई थी। एंड यहाँ पे क्या था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो डेली का उनका काम है मतलब दूध गर्म करना, तो आज उनका ना पैर भी दुख रहा था बहुत, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए मैं कर देती हूँ आज आपका काम। एंड यहाँ पर फिर मैं इनके यहाँ पे मैं हम दोनों के लिए दूध बॉईल किया, दूध जो बॉईल था तो उसका ना किसी दिन मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब किस तरह से बनाती हूँ मैं बादाम वाला दूध। एंड जो बादाम का पाउडर मैंने बनाया होममेड, वो भी मैंने वीडियो में डाला है शॉर्ट्स वीडियोस में, आप लोग ज़रूर देख लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं यार शॉर्ट्स वीडियोस में, आप लोग ज़रूर देखा करो। एंड किसी दिन मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी किस तरह से बनाते हैं हल्दी वाला दूध बादाम वाला। एंड ये ना हमारे ना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रात के टाइम में ना आप खाना वाना खाने के बाद दूध पीते हो ना तो स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और ठंडी के टाइम में तो ज़रूरी स्पेशली पीना ही चाहिए। एंड गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि अच्छा क्योंकि और आप किस तरह से देखना चाहते हो, क्योंकि ना क्या है ना नोट अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा चीज़ें होगी आप अपने हिसाब से बताओगे तो और अच्छे ब्लॉग्स बना सकते हैं, ताकि जो आप लोग को पसंद है वही चीज़ें आए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे ना फिर मैंने दूध निकाल दिया था, पानी थोड़ा सा गर्म किया था पीने के लिए, क्योंकि ना ठंडी का मौसम आ गया ना, ठंडा ठंडा मटके का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए फिर मैंने पानी गर्म किया पीने के लिए। एंड बाकी चीज़ें रखी सारी चीज़ें, हस्बैंड को पानी देने गई थी उनको पानी चाहिए था। एंड उसके बाद यहाँ पे दूध वाले बर्तन दूध यहाँ पे निकाल लिया है। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।